नीमच जिले के मनासा तहसील के किसान कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र में अल्पवृष्टि से खराब हुई फसलों का सरकार से सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व दोपहर 12 बजे किसान कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान मंडी गेट के बाहर एकत्रित हुए। हाथों में खराब हुई फसलें एवं सरकार विरोधी नारे लगाते हुए किसान SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा को फसल नुकसानी का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि वर्तमान वर्षा काल में बारिश कम होने से पीली मोजक वायरस के कारण सोयाबीन फसलें खराब हो गई है, साथ ही काफी मात्रा में नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा फसल नुकसानी का जल्द सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव उमराव सिंह गुर्जर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण मनासा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसलें खराब हुई थी। उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने फसल नुकसानी का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा राशि दी थी। वहीं इस वर्ष भी किसानों की जल्द मांग नहीं स्वीकार करने पर किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। तपन का वचन कांग्रेस जिला महामंत्री गोपाल मुनगटा ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीमच जिले के मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।